मैंने एक और अपने मोशन पे ये कहा था कि कुछ महकमे ऐसे हैं जिनके लिए पैसे तो जाते हैं सालाना, लेकिन उनकी कारकर्दगी या उनकी ज़रूरत के ऊपर अगर बात करें तो शायद उन महकमों की ज़रूरत भी हमें महसूस ना हो। ये जो बैनुसूबाई और जो हमारा राबते का महकमा है जनाबे वाला, अगर इनकी कारकर्दगी पर मैं एक नज़र डाल दूं, तो सालाना आपका लाखों क्यूसेक पानी सिंध लेके जा रहा है। आज दिन तक इस महकमे का जो बैनुसूबाई राबते का ज़रिया है, आज दिन तक इन्होंने कितने मीटिंग्स किए सिंध गवर्नमेंट के साथ, कितने मामलात इन्होंने टेकअप किए, बलूचिस्तान के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर कितनी दफ़ा राबता किया है इन्होंने, सूबों के दरमियान जो राबते का जरिया है वो कितनी दफ़ा हुए हैं जनाबे वाला। इसके साथ साथ हमारा हब डैम का पानी है वो कराची जा रहा है, उसके हवाले से जो आज दिन तक जो बलूचिस्तान का रेवेन्यू है उसके हवाले से कोई मामला नहीं हुए जनाबे वाला। अब एक चीज़ और जो इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, ज़रा मैं जाम साहब का भी तवज्जो इसमें चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट खुजदार के वो बॉर्डर एरियाज जो शादात कोट के साथ लगते हैं, अब वहाँ पे जिन इलाकों पे पहले हमारे वोटर्स रहते थे, अब वहाँ पे जो है सिंध गवर्नमेंट ने दावा किया है और सिंध गवर्नमेंट ने उनको अपने इलाके शुमार करके वो तमाम ज़मीनें और वो चीज़ें अपने उसमें ले लिए हैं। लेकिन बैनुसूबाई राबता की जो हमारा ये महकमा है ये ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं और जो पैसे इनको दिए गए वो उसके मज़े ले रहे हैं। उन साहिबान को तो ये भी जहमत नहीं हुई कि वो गवर्नमेंट तक को इन्फॉर्म कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी पता नहीं किन मामलात में लगी हुई है। इन अहम इशूज़ पे जब यहाँ पे बात होती है तो गवर्नमेंट को ख़ुद भी न इनको सुनना चाहती है, न इन पर डिबेट ओपन करना चाहती है, न इनको समझने की कोशिश की जाती है, ताकि ये मामला जिस तरह चल रहे हैं इसी तरह चलते रहें। मेरे ख्याल से तब्दीली की बातें, तकारीर, तहरीर, सोशल मीडिया मामलात इनमें तो चलती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें करनी चाहिए उन हवाले से कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो जनाबे वाला वो इलाके जो शादात कोट के हमारे खुजदार डिस्ट्रिक्ट के जो सिंध क्लेम कर रहा है और वो हिस्टोरिकली वो हमारे इलाके रहे हैं, उनके हवाले से बलूचिस्तान के जो पानी का शहर है उसके हवाले से अभी डेरा बुगटी के कुछ इलाके हैं, बेखड़ वगैरह के, उधर भी ये डिस्प्यूट चल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन इलाकों में दावा कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो इशूज़ हैं, उनके हवाले से भी इस महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को टेकअप करें, लेकिन इनका काम सिवाय पैसे मांगने के और कुछ नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल से इस महकमे की अफादियत को, इस महकमे की इफेक्टिवनेस को, इन तमाम इनकी कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए इस महकमे को ही ख़त्म किया जाए और ये जिम्मेदारी जो हमारे दूसरे महकमे उनको सौंप दी जाए।